किसान साथियों नमस्कार, पीके ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्त, आज से करीब 9-10 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया गया था कि सेब के पौधे में पत्तियाँ पीला क्यों पड़ता है, और उसके इलाज के लिए हमने बताया था कि उसमें सिब्रेलिक एसिड मैं उसमें देता हूँ तो इसके पत्ते हरे हो जाते हैं। तो मैं आज उसी अपडेट को आज आप लोग के सामने पेश कर रहा हूँ साक्षात प्रैक्टिकल के रूप में। यदि आप लोग पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जा करके आप देख सकते हैं, और फिर इस वाले वीडियो को देख करके आप दोनों में तुलना कर सकते हैं दोस्त कि जिब्रेलिक एसिड देने के पहले और देने के बाद में क्या फ़र्क होता है। ये देखिए, ये नया वाला कूपन निकल रहा हुआ है और इसमें अब पूरी तरह से ये हरा हो गया है। इसके बाद ये वाला कॉपल देखिए किस तरह से हरा हुआ है, पहले से पीलापन ज़्यादा था। उसके बाद ये वाले देखिए, आपको जितने भी नया नया जो कोमल पत्ते निकल रहे थे सब में करीब 3-4 पत्तियाँ आपको पीले पड़ गए थे। और फिर आपका नीचे वाला देख लीजिए, और सबसे ज़्यादा पीलापन इस वाले में था, लेकिन इसमें भी अब कुछ कुछ मात्र 2 पत्ते में बहुत हल्का बचा हुआ है, बाकी सब ग्रीन हो गया। इधर से फिर ऊपर वाले कॉपले देखिए किस तरह से अब अपना विकास कर रहा है। तो जिब्रेलिक एसिड आपको बहुत अच्छा ही ग्रोथ प्रमोटर है, बिल्कुल फ्री में बनाया जाता है। यदि आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर है तो उसमें गाय के कंडों को आपको डाल देना है, और अगर वेस्ट डिकम्पोजर नहीं है तो पानी में इसको डाल के रखना है 3-4 दिन के करीब, और जब 3-4 दिन के बाद कंडे का रस बाहर आ जाए तो इसका कलर काला लाल जैसा हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। उसके बाद इसे आप जितना पानी पौधे में दे रहे हैं 5-10% इसको ले लेना है और पौधे में दे देना है। इससे पौधे का विकास बहुत ही अच्छी तरह से होता है। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जैविक खेती से रिलेटेड जानकारी इस तरह से मिलती रहे। धन्यवाद।